नमस्कार दोस्तों, मैं मीना पांडे आज फिर हाजिर हूँ और आज मैं आपको अपने कुछ ग्राउंड फ्लोर के प्लांट्स दिखाने जा रही हूँ। और फिर मैं आपको लास्ट में, मैंने जैसे आपको पिछली बार वादा किया था कि मैं अपने पान की बेल, इसको देखकर, वैसे इस पान के लिए मुझे काफ़ी मैसेज आए और मुझसे लोगों ने पूछा कि आप अपने पान की बेल को कैसे मेंटेन करती हैं, कैसे केयर करती हैं और कैसे इसको आपने लगाया, तो आज मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और इससे पहले मैं आपको ये पान दिखाऊं और साथ ही मैं अपनी और बगिया का आपको अवलोकन कराऊं। देखिए तितलियां आ रही हैं और बड़ी खूबसूरत तितलियां आ रही हैं, कभी यहाँ कभी खूब अच्छी सी चिड़ियां आती हैं, बड़ा अच्छा मनमोहक दृश्य होता है। तो ये देखिए, ये मैंने वंडरिंग जू हैंगिंग प्लांट में लगाया है, पॉट में लगाया है। और इसके अलावा ये हैंगिंग पॉट्स में मैंने ये कैलेडियम लगाया है जो अभी पत्तियाँ दे रहा है। ये मेरे जेड प्लांट्स हैं, तीन जेड प्लांट्स की कटिंग से मैंने ये तीन पॉट्स तैयार किए हैं। ये अजवाइन प्लांट है देखिए, और ये मेरे डैंथस, दो वैरायटी हैं डैंथस की, और कोलियस है देखिए, कोलियस, ये एक प्लांट कोलियस का है। इधर ये जनेडू भी कहते हैं इसको, लोडेंड्रॉन। और ये देखिए, एक गमले में मैंने ये वंडरिंग जू लगाया। ये वंडरिंग जू लगाना बहुत ही इजी होता है और ये बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत इजीली ग्रो करता है और इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप प्लग करिए और लगा दीजिए, किसी भी प्रकार की मिट्टी इसको सूट करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत है। ऐसा ही हार्डी प्लांट हमारा ये भी है जेड प्लांट, इसमें भी किसी प्रकार की कोई ज़्यादा खाद वाद की आवश्यकता नहीं होती, डाल दो तो अच्छी बात है, थोड़ा चमक आ जाती है। देखिए तितली आई है, फूलों पर बैठ रही है। और ये जो सदाबहार है, लोकल वैरायटी इसकी, ये तो बहुत इजीली ग्रो करता है। इसके फिर एक बार अगर आप पौधा लगा देते हो, फिर इसके बीज गिरते रहते हैं और पौधे होते रहते हैं। तो ये देखिए, फिर ये मनी प्लांट है, ये मैंने हैंगिंग पॉट में लगाया है। और ये मेरा झूला है, झूला देखिए, इस झूले के ऊपर जो स्टैंड, झूले का स्टैंड है, उसमें हैंगिंग प्लांटर्स को टांगने की जगह थी, तो मैंने इसी में प्लांटर्स टांग लिए हैं और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। एक ये देखिए हैंगिंग प्लांटर, ये भी इसी में टंगा हुआ है, इसमें कोलियस की एक वैरायटी लगी हुई है। ये देखिए, इधर मनी प्लांट्स हैं और काफ़ी अच्छा कॉर्नर मनी प्लांट का तैयार हो गया है मेरा। फिर ये एक मेरा स्टैंड है जिसमें मैंने बहुत सारे अपने प्लांट्स ये रखे हैं। ये देखिए, इसमें वैरायटी है काफ़ी, कोलियस है, बरगद की बोनसाई भी है देखिए। इसको फिर मैं अब बड़े गमले में थोड़ा शिफ्ट करूँगी। इधर देखिए कैलेडियम है, ये सिंगोनियम, ये जरेनियम, ये देखिए ये जेड प्लांट भी है बीच में, और ये स्पाइडर प्लांट, और ये जो वंडरिंग जू टाइप का ही एक पौधा है, जिसे शायद इसको क्या कहते हैं, पर्पल हार्ट कहते हैं शायद, पर्पल हार्ट है इसका नाम। और ये देखिए, ये साइकस ने अभी नए नए पत्ते दिए हैं, बड़ी हरियाली है इसमें। और ये इधर देखिए, इधर मेरा गार्डन जो है, ये मैंने स्टैंड में अपने पौधे लगाए हैं, विभिन्न प्रकार के यही पौधे हैं, क्रोटन्स हैं। और इधर देखिए, ये लॉलीपॉप वाला फूल जो है, ये मेरे पास काफ़ी, मैंने एक से काफ़ी बना दिए हैं और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। इस स्टैंड में भी ये देखिए कुछ पौधे हैं, ये क्रोटन है, कोलियस, और ये साल्विया। और इधर भी कुछ पौधे हैं, ये देखिए। अब आते हैं मेन, जो मैंने आज वीडियो बनाया है पान के लिए। तो पान का जो पौधा है, ये काफ़ी यूज़फुल होता है, ये मेडिसिनल भी होता है और ये हमारे पूजा पाठ में भी बहुत काम आता है। कोई भी पूजा होती है तो पान और सुपारी उसमें चढ़ती है। तो पूजा के साथ साथ ये मेडिसिनल वैल्यू भी रखता है, वात पित्त कफ तीनों को दूर करने के काम आता है। एक पत्ता अगर खाने के बाद आप सौंफ या कुछ मीठी सौंफ होती है वो, या कलाकंद के साथ आप अगर एक पत्ता रोज़ सेवन करें तो आपका हाजमा भी सही रहता है और कई प्रकार की बीमारियां नहीं होती हैं, वात पित्त और कफ तीनों का ही नाश करता है। तो ये जो प्लांट है, ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है वैसे,
लोगों को पता नहीं कुछ रहती होगी प्रॉब्लम, पर मुझे तो बहुत आसानी से ग्रो हुआ ये। तो ये देखिए, ये जैसे इसका ये ब्रांच है, तो इसमें देखिए आप जगह जगह पर इसमें ये जड़ें टाइप की होती हैं, नोट्स जितने भी होते हैं उन पर से जड़ें निकल आती हैं। तो ये जड़ें देखिए, ये जड़ें दिखाई दे रही हैं, तो ये नोट्स पर जड़ें पाई जाती हैं इसकी। तो ये जो नोट्स पर जड़ें हैं, यही जड़ें बाद में ग्रो करके ज़मीन में चली जाती हैं। और वैसे इसमें चढ़ा रखा है मैंने ये पिलर में, जो मेरे पोर्च का पिलर है उसमें मैंने चढ़ा दिया। शुरू में पौधा यहाँ पर नीचे लगाया था, जब बढ़ने लगा तो मैंने सपोर्ट दे करके इसे पोर्च के पिलर पर चढ़ा दिया। फिर उसके बाद ये देखिए मैंने ये बांध रखा है बीच बीच में, इसको बांध करके ऊपर की ओर चढ़ा दिया। बाद में तो ये परमानेंट हो जाता है, देखिए इसने ये जड़ यहाँ पर ले ली है और ये बुरी तरह से इस पर अटैच हो गया। अब ये अगर मैं खोल भी दूँ तो ये गिरने वाला नहीं है, लेकिन बंधा है तो बंधा ही है। मैंने देखिए बांधा है यहाँ पर, बांध बांध के शेप दिया इसको, चढ़ा दिया इसके ऊपर चारों ओर। तो इस तरह से मैंने पान के पौधे को चढ़ा। कई लोगों ने मैसेज में मुझसे पूछा कि आपने पान के पौधे को इसमें पिलर में कैसे चढ़ाया। तो ये शुरू में तो बांधना पड़ता है, फिर बाद में ये जड़ें खुद ही इस पर चिपक जाती हैं। तो इस तरह से, और बहुत इजीली ग्रो होता है। कई लोग इसको इस तरह भी पानी में रख कर के भी ग्रो करते हैं। जैसे ये देखिए, आपने एक ब्रांच काटी और इस तरह से ये पानी में रख दिया, पानी में ये जड़ें छोड़ देता है, और जब जड़ें छोड़ दे तो फिर से मिट्टी में लगा दीजिए। तो इस तरह से अब पान की देखभाल अगर आप पॉट में इसे लगा रहे हैं तो शायद करनी पड़ती हो, लेकिन ये ज़मीन में जब लगा है तो इसे कोई ख़ास देखभाल की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इसमें कभी 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 ही खाद डालती हूँ, कोई ख़ास खाद नहीं डालती हूँ। इसी के पत्ते नीचे गिरते हैं, उन्हीं को उसके नीचे दबा देती हूँ, उसी मिट्टी में सूख करके पत्ते नीचे गिरते हैं तो उन्हीं पत्तों को उसी के नीचे वहीं पर दबा दिया जाता है, उसी से खाद तैयार हो जाती है। तो और अगर आपको ठीक है खाद डालनी ही है तो आप गोबर की खाद डालिए, DAP डालिए, या फिर जो आपके किचन वेस्ट से बनी हुई खाद होती है वो डालिए। तो किसी भी खाद से ये बहुत अच्छा पनपेगा, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप गमले में भी इसको लगा सकते हैं। गमले में इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ अगर बड़ा गमला लेंगे तो काफ़ी बढ़ता है। उसी में एक आप रॉड लगाइए मॉस्टिक टाइप की, मॉस्टिक आपको खरीद के लाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करिए कि ये जो इस तरह की ये पाइप्स होती हैं, इसको गमले के ठीक बीच में लगाइए और उसी पर बांध बांध के चढ़ाते रहिए, और किसी कॉर्नर में रख दीजिए, फिर ये खुद ही कॉर्नर में ऊपर को चढ़ने लगेगा। ठीक, उसको सपोर्ट दे दीजिए ऊपर से तो ऊपर को चढ़ने लगेगा। तो इस तरह से इसको पान को उगाया जा सकता है, और इसकी केयर, कोई ख़ास केयर की आवश्यकता ऐसी नहीं होती है। ज़मीन में अगर है तो बिल्कुल केयर की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत हार्डी प्लांट है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ पानी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और सेमी शेड में इसको रखना चाहिए। एकदम छाया में भी वैसे ठीक हो जाता है, कमरे के अंदर भी मेरा हो रहा है। एक बॉटल में मैंने पान का पौधा लगाया है पर वो उतना ग्रो नहीं कर रहा है, बस ये है। पानी में भी ये जीवित तो रह रहा है, पत्ते तो इसके हरे ही रह रहे हैं। तो इस तरह से पानी पान को बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं है, और इजीली आप इसे लगा सकते हैं। घर में लगा करके आप इसको सेवन भी कर सकते हैं। इसकी जो कोमल कोमल पत्तियाँ होती हैं उसके साथ सौंफ, मीठी सौंफ रखिए, थोड़ा सा गुलकंद रखिए और उसे चबा चबा के खाइए। तो इस तरह से ये मेरे प्लांट्स और पान के बारे में मैंने आपको बताया। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी करिए। धन्यवाद।